हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्या रह सकते शॉर्ट। क्या रह सकते शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे सुपर टीईटी 2020 की क्लास, और आज है हमारा ये लेक्चर 3। तो लेक्चर 2 में अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है उन सारे क्वेश्चंस को देखते हुए, उसके बाद से किस तरह के क्वेश्चंस जो है हमारे एग्ज़ाम में अराइज हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को मैं आज यहाँ पे करवाने वाली हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, किसी दो अंकों की संख्या और उसके अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर 54 है, उस मूल संख्या के दोनों अंकों का अंतर क्या होगा। तो पहले तो थोड़ा सा बेसिक्स हम देखेंगे कि अगर बेसिक से करना हो तो किस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एग्ज़ाम में ट्रिक याद रहे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन पे ट्रिक लागू हो। तो पहले हम करते हैं इसको बेसिक से। देखिए, क्वेश्चन में कुछ इस तरह से कह रहा है कि दो अंकों की संख्या है, ठीक है। हम सपोज़ कर लेते हैं संख्या जो है वो एक्स वाई है। उसके आगे क्या बोल रहा है, उसके अंकों के स्थान परिवर्तन से। मैंने आपको बताया था कि जो प्लेस चेंज वाला क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन मैं यहाँ करवाऊँगी। तो जो प्लेस चेंज, देखिए, स्थान परिवर्तन, जहाँ पर ये आपको मिलेगा वहाँ पर आपको ये समझ लेना है कि हमें प्लेस चेंज वाला क्वेश्चन करना है, मतलब कि 10x प्लस वाई का यूज़ करना है। आप यहाँ पे देखिए, इकाई और दहाई का बहुत ज़्यादा, मतलब कि जो वंस और टेंस प्लेस होता है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। हम सपोज़ कर लेंगे, माना इकाई का अंक एक्स और जो दहाई का अंक है वो वाई है, ठीक है। एक्स वाई, तो इकाई कौन सा होता है, इकाई होता है हमारा, ऐसे रखते हैं नंबर को, इकाई दहाई। तो ये एक्स और ये वाई, तो हमारी संख्या क्या हो गई यहाँ पे, वाई एक्स हो गई, बिकॉज इसको हम पहले पढ़ते हैं और इसको बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि स्थान परिवर्तन, जहाँ पे स्थान परिवर्तन आ जाएगा वहाँ पे संख्या क्या बन जाएगी, 10x प्लस वाई, ठीक है। अब कह रहा है कि स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर 54 है, मतलब कि जो पहले आपकी संख्या थी दो अंकों की संख्या, ठीक है, ये संख्या हमारी है, अगर उसका स्थान परिवर्तन कर दें, तो स्थान परिवर्तन करेंगे तो संख्या क्या बनेगी, जहाँ x है वहाँ y हो जाएगा, और जहाँ y है वहाँ पे x हो जाएगा, यही होगा। संख्या हमारी ये बन रही थी, स्थान परिवर्तन कर दिया तो संख्या ये बन गई। अब कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो 54 है, मतलब कि क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स, और इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, 54 है। अब कह रहा है उस मूल संख्या के दोनों अंकों का अंतर क्या है, मतलब कि जो हमारी मूल संख्या बन रही है ये, उसके दोनों अंकों का अंतर क्या है ये बताना है। तो निकाल लेते हैं, तो देखिए, ये 10x प्लस वाई माइनस 10y, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 54। 10x में से x गया तो ये 9x, और ये आपका हुआ माइनस 9y इज इक्वल टू 54। 9 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 54, और x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 54/9, यानी कि जो x माइनस वाई है वो हो गया आपका 6। यही आपका आंसर है, आपके ऑप्शन में 6 ज़रूर से दिया होगा। ये तो था बेसिक तरीका कि किस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे ट्रिक। देखिए, पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि स्थान परिवर्तन होगा तो हर जगह पे 10x प्लस वाई संख्या हम लेंगे। जहाँ भी स्थान परिवर्तन का क्वेश्चन आता है वहाँ पर हमको संख्या जो बनानी है वो 10x प्लस वाई बनानी है, ठीक है। अब देखिए, जिस भी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि दो अंकों की संख्या है उनका स्थान परिवर्तन हुआ है, तो उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर क्या होगा, मतलब कि दोनों अंकों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जो स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर 54 है, इसमें आपको हमेशा 9 से डिवाइड कर देना है, मतलब कि 54 में आपको 9 से डिवाइड कर देना है और ये 6 आ जाएगा, और यही आपका ट्रिक है, यही डिफरेंस होगा जो कि यहाँ पे आपका आया हुआ है, ठीक है। अब एक तरीका और, अब हम इसे चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए देखिए हम देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल सेम इसी क्वेश्चन के बेस्ड पे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि अगर दो अंकों की संख्या और उसके अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर 72 है, हम ये मान लेते हैं। हमने क्या किया है, नंबर्स को चेंज कर दिया है, ठीक है। अब उस मूल संख्या के दोनों अंकों का अंतर क्या होगा,
मैंने आपको बताया कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो या तो आप पहले ये प्रोसेस, अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो, लेकिन सिंपल सा इसका ट्रिक यही है कि जो संख्याओं का अंतर अगर दिया हो, ठीक है, संख्याओं का अंतर दिया हो और फिर पूछे कि मूल संख्या के दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो वो क्या करेंगे आप, इस संख्या में हमेशा 9 से भाग दे देंगे और जो आपका आंसर आएगा वही जो होगा संख्याओं के अंकों का अंतर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर 8 आया है। अब आप चाहिए तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। पुट कैसे करेंगे, इकाई का अंक एक्स है, दहाई का अंक वाई है, संख्या क्या बन गई 10x + y। स्थान परिवर्तन किया तो जहाँ x है वहाँ y हो गया, जहाँ y है वहाँ x हो गया। इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, यहाँ से आपको इन दोनों का जो अंतर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 72 कर लेते हैं इसे। x माइनस वाई यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया है आपका 72/9 और ये होता है आपका 9/8 = 72। एक्स माइनस वाई यानी जो संख्याओं के अंक हैं उनका डिफरेंस 8 आया है और यही हमारा इस ट्रिक से भी हमें फाइंड करने को मिल रहा है। अब तो ये था अंतर वाली बात। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाता है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस योग पे भी देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। आपको मैंने बताया है कि आज मैं यहाँ पे करवा रही हूँ आपको स्थान परिवर्तन वाले क्वेश्चन। जहाँ भी आपको क्वेश्चन में स्थान परिवर्तन दिखे वहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये टेक्निक फॉलो करनी होगी जो मैं आज यहाँ करवा रही हूँ। क्वेश्चन में आपसे यहाँ क्या क्या कह रहा है, किसी दो अंकों की संख्या और उसके अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का योग 44 है। इसके पहले हमने अंतर पढ़ा था, यहाँ पे हम योग पढ़ रहे हैं और पूछ रहा है जो मूल संख्या है उनके दोनों अंकों का योग क्या होगा। तो मैंने आपको बताया जब भी स्थान परिवर्तन हो तो संख्या क्या बनेगी, हमारी संख्या बन जाएगी 10x + y। और स्थान परिवर्तन करने पर संख्या क्या बनेगी, स्थान परिवर्तन जब आप ये करेंगे तो क्या हो जाएगी, जहाँ x है वहाँ y, जहाँ y है वहाँ x। सिंपल, कुछ नहीं करना। अगर ट्रिक नहीं पता है तो ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत टिपिकल नहीं है। इनका योग 44 है, 10x + y + 10y + x = 44। तो ये हो गया 11x + 11y = 44 और ये हो गया 11x + y = 44। 11 कॉमन लिया था हमने, तो यहाँ से x + y की जो वैल्यू आएगी 44/11 यानी कि x + y = 4। ये रहा आपका आंसर और यही आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। तो अब इस पर ट्रिक क्या होगा, यहाँ पे ट्रिक ये है कि जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हो कि दो अंकों की संख्या है और उसका जो है स्थान परिवर्तन करने पर जो बनने वाली संख्या का जो योग है वो 44 है, तो उस मूल संख्या के दोनों अंकों का योग अगर ज्ञात करना हो तो आप हमेशा क्या करोगे, जो संख्याओं का योग है उसमें 11 से डिवाइड करोगे, मतलब हमेशा 11 से भाग दोगे और 11 से भाग देने पर तुरंत आपको जो है उस संख्या के दोनों अंकों का योग मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 44 है, संख्याओं का योग कितना है 44 है, अगर इसमें हम 11 से डिवाइड कर दें तो तुरंत हमको 4 मिल जाएगा और जो कि आपका आंसर है और इससे मैच कर रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे क्या दे दे, 88 दे दे, तो आप 88 करोगे तो इस प्रोसेस से करो, थोड़ा सा टाइम जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, हमको अपना ट्रिक लगाना है, क्या करेंगे 88 लिखेंगे और क्या करेंगे 11 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। वही चीज़ अगर यहाँ पे संख्याओं का ये अंतर होता और फिर पूछता कि दोनों अंकों का अंतर क्या होगा तो हम 9 से डिवाइड करते। मतलब कि कुल मिलाकर ट्रिक सिर्फ इतना ही है कि अगर संख्याओं का अंतर पता करना हो आपको, ठीक है, संख्याओं के अंकों का अगर अंतर पता करना हो तो हम 9 से भाग देते हैं और अगर संख्याओं के अंकों का योग पता करना हो तो हम 11 से भाग देते हैं। इस क्वेश्चन का ट्रिक सिर्फ इतना ही है। तो ये अभी हमने जो क्वेश्चंस करे हैं वो हमने करे हैं सिर्फ ये 88 लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये अभी तक हमने जो पढ़ा है क्वेश्चन वो सिर्फ अंकों का अंतर और संख्याओं के अंकों का योग के लिए करा है। ये जो दोनों ट्रिक है सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस के लिए फॉलो होंगी, अदरवाइज और किसी क्वेश्चन के लिए फॉलो नहीं होगी। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि अगर स्थान परिवर्तन दिया हो, अंकों का अंतर और योग तो हमने देखा कैसे निकालते हैं, तो अगर अब पूछ दे कि आप वो संख्या ही निकाल दीजिए कि वो जो इकाई और दहाई का जो अंक हमारा है एक्स वाई या फिर जो ये संख्या बन रही है 10x + y, ये संख्या कैसे फाइंड करेंगे, तो अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम देखते हैं कि उस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो उन्हें हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा जो टाइप है इसमें देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन में और किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पर ले रखा है,
दो अंकों की एक संख्या और अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 27 है। यहाँ पर भी वही चीज़ आ रहा है, स्थान परिवर्तन होता है या फिर यहाँ लिखा है अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, यानी कि अंकों को पलटा जा रहा है। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा हो, दहाई और इकाई आपको समझ में आता होगा वंस और टेंथ प्लेस, जैसे अगर मान लीजिए 27 लिखा हुआ है तो क्या हुआ इकाई दहाई, तो ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है, ठीक है। और संख्या के अंकों का योग 15 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपली पहले तो जो बेसिक्स है, पहले बेसिक्स है, क्या है बेसिक हमारे, जो आपको कह रहा है कि अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 27 है। तो जब अंतर 27 है किसका, अंकों को पलटने पर जो दोनों संख्याएं बन रही हैं, जैसे पहली संख्या हमारी क्या बनती है, जो मूल संख्या होती वो 10x + y बनती। अगर इन्हें हम पलट देते, अंकों को पलटने के बाद जो नई वाली संख्या बनती वो क्या बनती, 10y + x बनती। और इनका जो डिफरेंस है, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है 10x + y - 10y + x, ये कितना है 27 है। आप इसको सॉल्व करते एकदम जस्ट उसके पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने बताया था संख्याओं का जो अंतर गिवन था उससे हमने निकाला था संख्याओं के अंकों का अंतर। तो हम क्या करते हैं, जब संख्याओं के अंकों का अंतर निकालना होता है तो हम 9 से डिवाइड कर देते हैं, सिंपली कर देते हैं। हम यहाँ पर भी अगर 27 में 9 से डिवाइड कर दें तो हमको संख्याओं के अंकों का अंतर मिल जाएगा, और हमें करना भी एग्जैक्टली वही है। बट इस तरह से मैं करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये मालूम चले कि इस तरह से करने पर भी सेम आंसर आ रहा है। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर 10x + y - 10y - x = 27, और ये हो गया 9x - 9y = 27। ये हुआ x - y, 9 यहाँ से कॉमन लिया हमने और ये 27, और यहाँ से हुआ x - y = 3। मतलब संख्याओं के जो अंकों का अंतर कितना आ गया है, 3 आ गया है। ये आपको करना नहीं है, ये सिर्फ मैं समझा रही थी, आपको लगाना है ट्रिक। यहाँ पे ट्रिक हमारा क्या है, अगर दो संख्याओं का अंतर दिया हो, संख्याओं का ही तो अंतर दिया है, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर, पहली जो मूल संख्या है और पलटने के बाद जो संख्या बनी, इनका अंतर आपको 27 दिया हुआ है, तो उनसे उनके अंकों का अंतर, देखिए संख्या अलग होती है अंक अलग होते हैं। संख्या मतलब कोई संख्या लिखी हुई है 3 अंक की, 2 अंक की, 4 अंक की, और अंक मतलब उसके अंदर जो अंक दिए गए हैं उनका अंतर। तो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है तो संख्याओं के अंकों का अंतर क्या करते हैं, हम जो हमें नंबर दिया होता है संख्याओं का अंतर उसमें 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, संख्याओं के अंकों का अंतर। तो हमारे पास अंक कौन कौन से, x तो y है, तो x - y हमें 3 मिल गया। यहाँ से हमारे ट्रिक से हमेशा अंतर निकालने के लिए अंकों का 9 से भाग देते हैं, ये पता होना चाहिए। अब क्या कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग 15 है, x + y, ये आपको 15 दिया है, सॉल्व कर लीजिए, ऐड कर लेंगे, ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट, 18x = 9। x 9 निकल गया है तो y फाइंड कर लेते हैं, या तो इसमें किसी में भी x की वैल्यू पुट कर दें, हम इसी में पुट कर लेते हैं। x - y = 3 है तो x की वैल्यू 9 पुट करेंगे, तो 9 - 3 = y, और y = हो जाएगा 6। अब x की वैल्यू 9 आ चुकी है और y की वैल्यू 6 आ चुकी है, आपसे पूछ रहा है संख्या क्या है, तो संख्या तो हमेशा स्थान परिवर्तन में जो संख्या बनेगी वो 10x + y बनेगी, ये आपको ध्यान में हमेशा रखना है। बट अब हम x कौन सा लें और y कौन सा लें, ये भी तो बात है, अब ये x आया है ये y आया है तो यही लेंगे, बिल्कुल यही लेंगे। बट आपसे ये भी कहा है यदि दहाई का अंक इकाई से बड़ा हो, ठीक है, अगर दहाई का जो अंक है वो इकाई से बड़ा हो, मतलब कि ये दहाई होगा तभी तो ये इकाई के अंक से बड़ा है, ये आपका इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, और संख्या के अंकों का योग 15 है, तो संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी 10x + y, और वैल्यू जो पुट कर लीजिए, 10x की वैल्यू 9 है प्लस 6, ये हो जाएगा 90+6, और जो हमारी संख्या बन के आ रही है वो आ रही है 96, ये आपको मिल जाएगा आपके ऑप्शन में। और देखिए कहा है हमेशा कि यदि दहाई का अंक इकाई से बड़ा हो, तो दहाई कौन सा होता है, इकाई दहाई, और देखिए 9 जो है वो 6 से बड़ा है, मतलब कि ये आपका आंसर सही है। और इस तरह से करेंगे हम ऐसे क्वेश्चंस को, मतलब कि ट्रिक का यूज़, जो अंकों का योग और अंकों का अंतर हमने पढ़ा है उसका यूज़ हम यहाँ भी कर ले रहे हैं, तो इतना प्रोसेस करने से आप बच जाएंगे, यहाँ तक क्लियर है। तो ये रहा एक और टाइप का क्वेश्चन उसी स्थान परिवर्तन वाले क्वेश्चंस में से। अब स्थान परिवर्तन से हम और किस तरह के क्वेश्चंस देख सकते हैं वो भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट टाइप, देखिए नेक्स्ट टाइप इससे जो है स्थान परिवर्तन वाली संख्याओं से किस तरह के क्वेश्चंस आपसे अराइज हो सकते हैं।
एक संख्या के दो अंकों का योग 9 है और उसका गुणनफल 18 है, तो ठीक है। अब चूंकि ये देखिए थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर भी संख्या वही बनेगी 10x + y। अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या क्या होगी यदि मूल संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा हो। मतलब कि जो आपका दहाई का अंक है वो क्या है, इकाई मतलब जो यूनिट प्लेस पे अंक है उससे क्या है, बड़ा हो रहा है। संख्या के दोनों अंक का योग दिया हुआ है, तो संख्या आपकी कुछ भी हो लेकिन उनका योग क्या होगा, x + y = 9, ये आपको दिया हुआ है। उनका गुणनफल दिया हुआ है कितना, 18, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है कि योग गुणनफल पता है आपको, संख्या के अंकों को पलटने के बाद से आपसे ये पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी। तो पहले तो हमें x + y पता है, तो जैसे हम संख्याओं का अंतर निकालते थे x - y निकालेंगे, क्योंकि अगर हम x - y निकालेंगे तभी हमको x और y अलग अलग मिल पाएगा, जैसा कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में करा था। बट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें संख्याओं का अंतर पता था, तो हमने संख्याओं के अंकों का अंतर निकाला बाई डिवाइड बाई 9 करके। लेकिन यहाँ पे तो संख्याओं के अंतर दिया नहीं हुआ है हमें, हमें सिर्फ यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो संख्याओं का अंतर हम निकालते कैसे हैं, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला है, और ये होता है x - y² = x + y² - 4xy। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको x + y और xy की वैल्यू पता होगी तो आप x - y इस फॉर्मूले से तुरंत निकाल लेंगे, या तो आपको x - y और xy पता होगी तो आप x + y तुरंत निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब हम रखते हैं यहाँ वैल्यू, x - y हमें फाइंड करना है और x + y है 9, 4xy है 18। तो यहाँ से x - y² = ये हुआ 81 माइनस, और ये हो गया 72। तो यहाँ से x - y² क्या हो जाएगा, 9। x - y² हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, और यहाँ से x - y की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। ये स्टेप नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि स्क्वायर हटाएंगे तो ये जो है 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें x और y मिल जाएगा, निकाल लेते हैं। x - y 3 है और x + y हमारा 9 है, प्लस कर देंगे दोनों को तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 12। x की वैल्यू यहाँ से आ गई 6। x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं, x - y = 3। x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 3, ठीक है। अब x और y हमें ये पता हो चुका है, आपसे पूछा है कि संख्याओं के अंकों को पलटने से प्राप्त अंक संख्या जो है वो क्या होगी। तो जो हमारी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 10x + y। x क्या है, 6 है, y क्या है, 3 है, तो ये हो गया 60 + 3 = 63। क्वेश्चन में ये भी कहा है कि दहाई का अंक इकाई से बड़ा होना चाहिए, तो जो हमारा दहाई का अंक क्या है, इकाई दहाई, जो ये दहाई का अंक है ये इकाई के अंक से बड़ा है, मतलब कि ये आंसर आपका सही है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से चेक भी हो गया, तो ये 63 जो होगा वो क्या हो जाएगी, हमारी मूल संख्या हो जाएगी। तो ये देखिए ये एक बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन रहा है, और आज मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चन बताए हैं उसमें से जो आपके लास्ट 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और वो हर तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं। इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने कराए थे आपको 4 तक, वो सारे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बट वो थोड़ा सा अब जो है लो लेवल के हो गए हैं। तो पेपर्स जो है दिन प्रतिदिन जो है क्या होते जा रहे हैं, लेवल अपना बढ़ाते ही जा रहे हैं, उनका लेवल राइज होता जा रहा है। तो आप जो है इस तरह के क्वेश्चंस को भी ट्राई करिएगा, बिल्कुल सही है, सारे क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में फंस जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के बाद से देख लेते हैं हम कुछ और क्वेश्चन इसी टाइप के। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है, उस संख्या में से 9 घटाने पर संख्या के अंकों का स्थान पलट जाता है, तो संख्या कौन सी है। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ आ गई है, स्थान पलट जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मेनली देखिए
क्योंकि थोड़ा बड़े क्वेश्चंस हैं तो इन्हें हम अगर ऑप्शन के थ्रू हल करेंगे तो ये ज़्यादा हमें सही पड़ेगा और हमें टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि अगर आप बेसिक्स से फॉलो करते हो तो बेसिक्स तो आप बिल्कुल कर ले जाएंगे और मुझे पता है कि आंसर भी सही आ जाएगा। क्योंकि जिन लोगों को प्रैक्टिस होती है क्वेश्चंस लगाने के, उनके लिए बेसिक्स बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कैसे कैसे क्या करना है, वो तुरंत सारे स्टेप्स को कर जाते हैं। तो पहले तो आप बेसिक देखिए इसका, फिर इसको बताती हूँ कि इसे हम ऑप्शन के थ्रू कैसे करते हैं। दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 7 है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर इकाई का जो अंक होगा वो आपका x है और जो दहाई का अंक होगा वो होगा आपका 7-x। क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग हमें 7 चाहिए। तो देख लेते हैं चेक करके कि 7 आ रहा है कि नहीं। x प्लस 7-x, ये दोनों कट गया तो ये क्या आ गया? 7, मतलब कि हमने सही सपोज करा है। अब कह रहा है कि अच्छा संख्या क्या हो जाएगी, 10 एक्स प्लस वाई। तो 10x+y, अब इसमें कौन सा x है कौन सा y है ये कैसे मानेंगे? जो दहाई का अंक होता है वो 10 के साथ होता है, 7-x और प्लस वाई, ये आपका x, ठीक है। आप कह रहा है कि उस संख्या में से 9 घटाने पर संख्या के अंकों का स्थान पलट जाता है, जो संख्या हमारी ये बच रही है। इस संख्या में से अगर हम 9 माइनस करें तो संख्याओं के अंकों का स्थान पलट जाता है, तो ये संख्या है। अगर इसमें से हम 9 माइनस कर दें तो जो संख्या के अंकों का स्थान पलट जाता है, मतलब कि 10 के साथ ये x हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 7-x। सॉल्व करते हैं, ये हुआ 70-10x प्लस एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 10x प्लस 7-x। यहाँ से हो चुका है 70-9 और ये हुआ है 69। यहाँ से हुआ है आपका ये 61 माइनस 9x इज इक्वल टू, ये हुआ है 9x प्लस 7। ये 9 इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9x प्लस 9x और ये 61 माइनस 7, तो ये 18x हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 54। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 54/18 और 18 त्रिज्या होता है 54, यानी कि x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई है, मतलब कि x क्या था हमारा, इकाई का अंक था, मतलब जो इकाई का अंक हमारा आ गया है वो आ गया है 3 और जो दहाई का अंक आ रहा है वो क्या आएगा 7-x, मतलब कि 7-3 इज इक्वल टू 4। अब पूछ रहा है कि वो संख्या कौन सी है, तो संख्या कौन सी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई, जो संख्या होती है। अगर 10x प्लस वाई नहीं लिखना है तो हम ये संख्या तो हमारी यही है ना, 7-6 कितना है 4, तो 10 × 4 + 3, या फिर अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो जो संख्या हमारी बनी है उसी को लिख लेते हैं 10, 7-x प्लस x, 10, 7-x की वैल्यू हमने निकाली है 4 और प्लस x की वैल्यू 3, तो ये आ गया है 40+3 = 43। अब सिंपल सा ये पता हो गया है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ रहा है 43। आपके ऑप्शन में 43 ज़रूर से दिया होगा। आपको क्या करना है, उसे दहाई के अंक के साथ जो है देख लेना है संख्या बना करके कि वो संख्या सही बनी है कि नहीं बनी है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, 4 में से कोई एक ही संख्या ऐसी बनेगी जो ये रूल फॉलो करेगी कि जो आपका इसमें से देखिए जो बन रहा है इकाई का अंक और दहाई का अंक, इतना तो आप बना ही सकते हैं तुरंत वहाँ पे। इकाई का अंक और दहाई का अंक ये फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। तो देखिए ये आपका अगर ऑप्शन दिया होता, दो अंकों की संख्याओं का योग 7 है, फॉलो कर रहा है, उसमें से ये भी कह रहा है कि जो आपका संख्या बन रहा है इसको करने के बाद से, इकाई और दहाई का जो ये अंक आप मान रहे हैं इसके बाद से जो संख्या बन रही है हमारी वो भी इसको फॉलो कर रही है। कैसे कर रही है, 10x प्लस वाई, यही संख्या होती है हमारी। यहाँ पे x और y की जगह, x की जगह हमारा ये है और y की जगह हमने x लिया है क्योंकि हमने यही संख्या को माना था। 10x प्लस वाई बनता है हमारी संख्या 10x प्लस वाई। हम क्या करते हैं, 10 के साथ वो नंबर रखते हैं जो दहाई का अंक होता है। तो यहाँ पे देखिए दहाई का अंक कौन सा है, इकाई दहाई, मतलब 4 है, तो 10 × 4 प्लस इकाई का अंक 3 है, 40+3 = 43। ये कर रहा है आपके इस रूल को फॉलो जो बनाता है
स्थान परिवर्तन के बाद से संख्या। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए तो आप एक बार पहले ऑप्शन के थ्रू जो है ज़रूर से निकलिएगा, क्योंकि ऑप्शन से आपको अगर ये सारे रूल्स को फॉलो करता हुआ चला जा रहा है तो ऑप्शन के थ्रू आंसर निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, आप ये प्रोसेस करने से बच जाएंगे। इन केस अगर ऑप्शन के थ्रू आंसर नहीं निकल पाता है तो आपको ये भी पता होगा कि इसके हम बेसिक्स के थ्रू कैसे करते हैं। तो ये अभी आपको लग रहा होगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ये थोड़ा सा लेंदी है, बट ये लेंदी बिल्कुल नहीं है। आपको मैंने इतने टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं यहाँ पे कि अब इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप एग्ज़ाम में डेफिनेटली उसे करके ही आएंगे, वो आप छोड़ के नहीं आ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है स्थान परिवर्तन पे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, इससे बाहर का नहीं आने वाला। जितना आपने पढ़ लिया है, अगर इससे क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर का नहीं आएगा। इतने जो क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं इसी के अकॉर्डिंग, इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए ही आपके क्वेश्चंस फंसेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा विद ट्रिक्स। क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक उसको शेयर करिए, फ्रेंड्स को बोलिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक और नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।